प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम के राशिफल के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच एस रावत और इस प्रोग्राम में हम आपको आपकी राशियों की जानकारी दे रहे हैं। जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। इस जुलाई के महीने में 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, 11 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 16 जुलाई को सूर्य संक्रांति है, 21 जुलाई को फिर बुध राशि परिवर्तन करेंगे और 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इस समय शुक्र राजयोग बना करके अपने घर में चल रहा है, बाकी के ग्रह कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होकर के चल रहे हैं और 2 दिन के लिए बुध की स्थिति अच्छी है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी अपने ही घर को देखता है, आपका परिश्रम अपनी मेहनत वो रंग लाएगी। आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप अपने ही बल पर आप कामयाब होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा आपके में। आपकी कुंडली में गज केसी राजयोग बना हुआ है 2 दिन के लिए और 2 दिन के लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। इसका मतलब इस पीरियड में अगर आप 1 और 2 जुलाई को शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो योग बना हुआ है। पत्नी आपको अच्छी मिलने का योग बनता है, पत्नी के माध्यम से आपको सफलता मिलने का योग भी बनता है, लेकिन मंगलिक योग यहाँ पर बना हुआ है और ये मंगलिक योग 11 जुलाई तक रहेगा। 11 जुलाई के बाद यहाँ मंगल नीच होंगे, जो परिवार में किसी को अस्थमा से संबंधित तकलीफ, छाती से संबंधित तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है, पिता को सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बैक पेन की शिकायत, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, गर्भवती जो माताएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गर्भ नष्ट हो सकता है, ऐसा एक योग बना हुआ है। लेकिन आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपकी आयु लंबी होगी, शुक्र की वजह से आपको अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए उत्तम मौका है। वहाँ आप आईटी के सेक्टर में, आप होटल लाइन के सेक्टर में, आप फूड आइटम के सेक्टर में, डिपार्टमेंटल स्टोर के सेक्टर में, आप ज्वेलरी के सेक्टर में, आप कपड़ों के सेक्टर में बड़े ज़बरदस्त कामयाब वहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन आपके छठे भाव में राहु है जो आपके पेट में तकलीफ दे रहा है और आपके 12वें भाव में केतु की स्थिति चल रही है जो आपकी लेफ्ट आई को तकलीफ यहाँ पर दे सकती है, आंखों में कोई सर्जरी करा सकती है। आपके लाभ का स्वामी और खर्च का स्वामी शनि आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है। शनि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में रुकावट डाल के चलेगा, आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, पिता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस रहेगी, भगवान के प्रति उदासीन हो जाएंगे, कभी कभी नास्तिक विचार आपको आने लगेंगे, आप सोचेंगे कि मैं तो वैष्णो देवी जाने वाला था, मैं तो भगवान राम और कृष्ण के दर्शन करने वाला था, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है और भगवान पता नहीं है या नहीं है, इस तरह के नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन इन विचारों को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब भी शनि भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर आता है तो इस प्रकार के विचार आ जाते हैं। मीन राशि वालों, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपकी राशि के स्वामी आपके अपने घर को देख रहा है, हर कष्टों से बचाव करने की कोशिश करेगा, आपकी आयु के लिए कोई खतरा नहीं है, आपके माँ का स्वास्थ्य और आपके परिवार में आपके पिता का स्वास्थ्य, यहाँ थोड़ी सी तकलीफ जरूर आ रही है, इसके लिए मंगल की आप पूजा कर सकते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन होएगा तो उस समय भी आपको थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये था आपका राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या हमारा कंसल्टेशन चार्ज जमा करा करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप देश विदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उस काम को करने से पहले उसका मुहूर्त दिखाना अनिवार्य, पूजा कराना अनिवार्य और उसका वास्तु चेक भी आपको करवा लेना चाहिए। अगर आप जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारी BCD मंगवा सकते हैं, किताब भी मंगवा सकते हैं और पत्राचार कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। अगली राशि के बारे में अगले एपिसोड में आपको जानकारी देंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर ज्योतिष सीख सकते हैं या आप Facebook, Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं।